Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am your teacher Vandana, again back with your English reader. We are doing part 4 and here this is your book Language Odyssey, a 21st century reader's guide. So children, let's start with a new chapter and it is chapter 3 of your book and the name of the chapter is The Most Difficult Job in the World. So, कौन से ऐसे जॉब है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. लेट्स सी क्या निकल के आता है इस चैप्टर से. लेट्स सी द स्टोरी. ओके, वंस किंग कृष्णदेव राय आज अ क्वेश्चन फ्रॉम हिज कोर्टियर्स. ऑल ऑफ देम गिव आंसर वाइसली बट ओनली तेनाली रमा हैड प्रूव हिज आंसर राइट. लेट्स रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय थे, उनके कोर्ट में बहुत नोबल मैन थे. जैसे आपने अकबर या बीरबल की स्टोरी सुनी होंगी कि बीरबल वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट इन हिज कोर्ट. वो अकबर के जो भी क्वेश्चन अकबर पूछते थे उसका रिप्लाई दे देते थे फटाफट. वैसे ही कृष्णदेव राय हैं, ये भी एक राजा हैं विजयनगर के, और इनके पास भी वैसा ही एक नोबल मैन है एंड हिज नेम इज तेनाली रमा. सो तेनाली रमा किसी भी क्वेश्चन का फटाफट सोल्यूशन निकाल लेते थे, आंसर निकाल लेते थे. तो एक दिन कृष्णदेव राय ने एक क्वेश्चन पूछा अपने सभा में बैठे हुए कोर्टियर्स से. कोर्टियर्स मीन्स जो राज्यसभा में बैठे हुए लोग होते हैं, दोज आर कॉल्ड कोर्टियर्स. सो सब में से सिर्फ तेनाली रमा का जो आंसर था वो ही हमारे जो राजा थे उन्हें सही लगा. सो लेट्स रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी. बहुत ही हम एंजॉय करने वाले स्टोरी में. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. तेनाली रमन वॉज अ वेरी वाइज एंड विटी मैन. विटी मीन्स ह्यूमरस और कॉमिक. विटी मीन्स जो बहुत मजाक करता है. सो बहुत ही ज्यादा वो वाइज मीन्स बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे और बहुत मजाकिया भी थे. इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय. किंग कृष्णदेव राय के कोर्ट में वो वहां पे वर्क करते थे. द रूलर ऑफ विजयनगर. और किंग कृष्णदेव राय जो थे वो कहां के राजा थे, वो विजयनगर किंगडम के राजा थे. ही वॉज द कोर्ट जेस्टर एंड मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट हिम. सो जो हमारे तेनाली रमा थे वो वहां के जेस्टर थे और उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हम पढ़ सकते हैं. वन डे किंग कृष्णदेव राय आज हिज कोर्टियर्स, You are wise and learned men. Tell me which is the most difficult job in the world. So कृष्णदेव राय ने वो क्या करते थे, ये जो जितने भी राजा हुआ करते थे वो अपने जो ministers हैं उनकी टाइम टू टाइम टेस्ट लिया करते थे. जैसे आपकी टीचर आपका टेस्ट लेती है, आप एग्जाम देते हो हर मंथली देते हो और आपके जो है फाइनल एग्जाम्स भी होते हैं. सो वो क्या करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कि उन्होंने जो भी आपको पढ़ाया है आप जो है उसे कितने अच्छे से लर्न कर सकते हो. सो यहाँ पे जो कृष्णदेव राय थे वो भी जो है अपने मिनिस्टर्स की हमेशा टेस्ट लेते थे. सो उन्होंने क्या बोला, यू आर वाइस एंड लर्नड. सब सबके सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं. तो आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड. पूरी इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट जो जॉब है, सबसे डिफिकल्ट जो काम है वो कौन सा है. The courtiers had a ready answer. Courtiers जो थे उनके पास एक answer था जो उनके पास पहले से ready था. They said, Your Majesty, everyone knows that the task of ruling the country is by far the most difficult job in the world. तो सबने क्या बोला कि Your Honor, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा difficult job है क्या है वो, The task of ruling the country. किसी कंट्री को रूल करना, उसके राजा बनना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब है. क्योंकि राजा को, हर इंसान को, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ही हैज टू फाइंड आउट. उसे ढूंढना पड़ता है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, क्या सही है या क्या गलत है. सो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब क्या होती है, एक राजा की होती है. कंट्री को रूल करने की जॉब जो है सबसे डिफिकल्ट है. द किंग वॉज प्लीज विद देयर आंसर. किंग खुश हो गया कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं. But he noticed that Tenali Rama was smiling to himself as if he found this answer funny. So, अब उन्होंने किंग ने क्या देखा कि जब सब अपना आंसर दे रहे थे
तो किंग ने देखा कि वहां पे खड़े हुए तेनालीरामा क्या कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, अपने आप में ही वो स्माइल कर रहे हैं, और ऐसे स्माइल कर रहे हैं कि जैसे सबका दिया हुआ आंसर उन्हें बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, सब मजाक कर रहे हैं। सो अब किंग जो है आगे क्या करते हैं, लेट्स सी। द किंग आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज स्माइलिंग। किंग ने तेनाली से पूछा, किंग ने तेनाली से पूछा, ही इज तेनाली, तेनाली से पूछा कि why he was smiling, perhaps you don't agree with your friend that my job is the most difficult job in the world. So king ne kaha ki tum hans kyun rahe ho, tumhe kya lagta hai ki jo tumhare friends bol rahe hain wo galat bol rahe hain, kya meri job sabse zyada difficult nahi hai, is that why you are smiling, kya tum isliye hans rahe ho? Tenali Raman said, your majesty, it is indeed difficult to rule a country well. तो तेनाली ने बोला, नहीं योर मैजेस्टी, मुझे पता है कि एक डिफिकल्ट काम है, किसी कंट्री को रूल करना एक डिफिकल्ट काम है, बट इट इज नॉट द मोस्ट, बट ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं है, डिफिकल्ट जॉब नहीं है पूरी दुनिया में। आई कैन थिंक ऑफ समथिंग दैट इज मच मोर डिफिकल्ट टू डू। सो मेरे पास एक आंसर है, और वो जो काम है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वर्क मैं आपको बता सकता हूं। मोर डिफिकल्ट देन रूलिंग अ कंट्री, एक देश को रूल करने से भी डिफिकल्ट और कौन सा काम हो सकता है, सेड द कोर्टियर्स डिसबिलीवेबली। सो सारे जो कोर्टियर्स थे जिन्होंने आंसर दिया कि किंग का काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, वो सारे जो है उसके खिलाफ चले जाते हैं तेनाली के, और कहते हैं इससे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा काम हो सकता है, हाउ कैन देयर बी एनीथिंग एट ऑल व्हिच इज मोर डिफिकल्ट, इस काम से ज्यादा डिफिकल्ट काम कौन सा हो सकता है, लेट अस व्हाट दैट जॉब इज, टेल अस व्हाट दैट जॉब इज रमन, सेड द किंग। तो किंग ने कहा कि रमन प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट जॉब, क्या जॉब है ये, अ मदर्स जॉब, सेड रमन। रमन ने कहा एक माँ का काम जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू कीप अ चाइल्ड हैप्पी देन टू लुक आफ्टर द किंगडम। तो तेनाली रमन ने बोला कि एक माँ का काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है, हमेशा अपने बच्चे को हैप्पी रखना पड़ता है, और ये काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। You need a lot of wisdom and quick thinking for that. आपके अंदर बहुत ज्यादा brain wisdom होना चाहिए, आप जल्दी जल्दी किसी चीज को सोच सको कि अब मेरा बच्चा रोने वाला है तो मुझे क्या करना है। तो आपको जो है ये जॉब, एक मदर की जॉब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। The whole court broke out loud laughter. So जैसे इस answer को सबने सुना, जो कोर्ट में जितने लोग थे सारे जो है बहुत तेज से हंसने लगे। एंड ऑफ कोर्स रमन वाज आस्क्ड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ हिज वर्ड्स। सो अब जो है सब हंसने लगे, तो सबने कहा चलो रमन तुम जो बोल रहे हो उस बात को प्रूव करके दिखाओ, तुमने जो भी बात बोली है उसे प्रूव करके दिखाओ कि जो मदर की जॉब है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है इस वर्ल्ड में। सो रमन बॉट अ वुमन एंड हर यंग सन टू द किंग। अब रमन जो है एक यंग एक वुमेन को ले आया अपने उसके बच्चे के साथ किंग के कोर्ट में। नाउ आज अ काइंड राजा फॉर एनीथिंग दैट यू वांट, ही टोल्ड द लिटिल बॉय। उस छोटे बच्चे से तेनाली ने रमन ने बोला कि राजा आपके सामने बैठे हैं बेटा, आप इनसे कुछ भी मांग सकते हो, जो भी तुम्हें चाहिए। ही टोल्ड द लिटिल बॉय, लिटिल बॉय से बोला। An elephant said the little boy, little champ at once. So जैसे तेनाली ने कहा राजा से कुछ भी मांग सकते हो, तो एक बॉय ने क्या बोला, मुझे एक हाथी चाहिए, एक elephant चाहिए। A real living elephant was immediately brought to him. So एक जीता जागता elephant उसके पास लाया गया। Put him in my basket, the boy said. I want to take him home. अब जीता जागता elephant तो बहुत बड़ा होता है। अब बॉय ने कहा इसे मेरे basket में रख दो। अब कैसे हो सकता है ये, मैं इसे अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। बट ही वोंट फिट इन टू योर बास्केट सन, ही विल कम वॉकिंग बिहाइंड यू व्हेन यू गो होम, द लिटिल बॉय वाज स्टबर्न। आई वांट हिम इन माय बास्केट, ही सेड। तो राजा ने बोला
कि बेटा आपकी छोटे से बास्केट में ये एलिफेंट, इतना बड़ा एलिफेंट कैसे आ सकता है? आप एक काम करो, घर चलो, आपके पीछे पीछे ये एलिफेंट आपके घर पहुंच जाएगा। तो अब क्या था, जैसे उसने, इस बच्चे ने सुना ये बात, वो क्या हो गया, स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स बहुत ज्यादा पजल्ड हो गया, गुस्से में आ गया। आई वॉन्ट हिम इन माई बास्केट, ही सेड। उसने कहा मुझे ये एलिफेंट मेरे बास्केट के अंदर चाहिए। आई हैव टू टेक हिम होम इन माई बास्केट, मैं इस एलिफेंट को अपने बास्केट में ही घर लेके जाऊंगा। He started crying and nothing that anyone said would persuade him to change his mind. अब वो बच्चा रोने लग जाता है और कोई भी दुनिया की ताकत उसे चुप नहीं करा पा रही थी। The king and his courtiers tried everything they could, but he refused to listen to them. So king ने, जितने भी वहां राज्यसभा में बैठे लोग थे, सब ने कुछ ना कुछ किया उस बच्चे को चुप कराने के लिए, पर कोई भी उसे चुप नहीं करा पाया। He sobbed and shrieked as if his heart would break. वो sobbed means रोने लगा, shrieked means एक आवाज जो होती है बहुत तेज चिल्लाने की, वो आवाज वो निकालने लगा, इतनी तेज रोने लगा कि जैसे उसका दिल टूटने वाला हो। सो बच्चा इतनी तेज रो रहा था। Then the mother asked Raman for a toy elephant. अब मदर ने क्या किया, बच्चे के लिए एक टॉय एलिफेंट मंगवाया रमन से। She turned to her son and said, "Look, my son, here is a small elephant which is much more beautiful than the big elephant." So mother ने कहा कि ये लो, आपके पास ये एक नया एलिफेंट लाई हूँ, छोटा सा एलिफेंट लाई हूँ जो उस बड़े एलिफेंट से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। It is wearing a gold chain. इसके पास देखो एक गोल्ड की चेन है। And look, there is a golden umbrella on top of it. और इसके सिर के ऊपर एक गोल्डन कलर का अम्ब्रेला भी लगा हुआ है। इट हैज व्हील्स, इसमें व्हील्स भी लगे हुए हैं। सो यू कैन पुट इट बिहाइंड यू वेयर एवर यू गो, तो आप इसको अपने आप ड्रैग करके ले जा सकते हो जहां भी आप जा रहे हो। इट विल फिट इजली इन योर बास्केट, और ये आपके बास्केट में भी आराम से आ जाएगा। यू डोंट वॉन्ट टू द बिग एलिफेंट, योर बास्केट विल ब्रेक इफ यू पुट हिम इन। तो अब मदर ने बोला कि अगर तुम उस बड़े एलिफेंट को लोगे और अपने बास्केट में डालोगे तो क्या होगा, तुम्हारा बास्केट टूट जाएगा। द बॉय स्टॉप क्राइंग, अपनी मदर की बात को सुन के बॉय चुप हो गया। द महोत लेट अवे द एलिफेंट, महोत जो था एलिफेंट, जो की एलिफेंट कीपर था, वो एलिफेंट को, उस रियल एलिफेंट को वहां से लेके चला गया। एंड द लिटिल बॉय एंड हिज मदर वेंट After happily with the toy elephant, और वो जो छोटा बच्चा था उसकी माँ थी, वो दोनों उस toy elephant के साथ घर वापस चले गए। And the relieved king said, अब king को सांस में सांस आई, वो relief feel करने लगा, wiping the perspiration from his brow, अपनी सिर पे से माथे पे से उसने पसीने को पोछा। Raman, I agree that a mother's job is the most difficult job in the world. अब जो है किंग को समझ में आ गया कि रमन was right, और उसने जो बोला था कि माँ का जो भी जॉब होता है, जो भी वर्क होता है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो नाउ द किंग इज अग्रीड विद द वर्ड्स ऑफ रमन। एंड स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम ग्रैंडमास टेल बाय जयश्री वेणुगोपाल। So, आप ये स्टोरी, आगे की स्टोरी और ज्यादा स्टोरीज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कहाँ से? ग्रैंडमास टेल बाय जयश्री वेणुगोपाल। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मदर, मदर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड कितना भोला है। एंड द विजडम ऑफ तेनाली रमन, तेनाली रमन का दिमाग कितना तेज है। Let's do the book exercise. Tenali Raman was very witty, wise, intelligent, all. So, all is the correct answer. The king was pleased with their... Kis cheez se wo please ho gaya tha? Answer. Wo jo hai, answer se please ho gaya tha. The boy became happy after getting toy elephant, live elephant. So, boy jo hai, happy ho gaya tha toy elephant milne ke baad. Who made the boy happy? Boy को happy किसने किया? Raman, king, his mother, or courtiers.
So his mother is the correct answer, dear children. Now let's come to who said to whom. Who said the given sentences? It is indeed difficult to rule the country well. So ये किसने कहा था कि हाँ कंट्री को भी रूल करना बहुत डिफिकल्ट है? This was said by तेनाली रमन. I want to take him home. ये किसने कहा? The little boy. Here is a small elephant which is much more beautiful than the big elephant. यहाँ पे एक छोटा elephant है जो उस वाले elephant से बहुत ज्यादा beautiful है. किसने कहा था? Mother of the child. I agree that the mother's job is the most difficult job in the world. लास्ट में किसने कहा कि मैं ये मान गया हूँ बात कि मदर का जो जॉब है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. सो दिस वॉज सेड बाय द किंग. नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. तेनाली वॉज द इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णदेव राय, किंग कृष्णदेव राय. द डैश हैड अ रेडी आंसर. द कोर्टियर्स हैड अ रेडी आंसर. द डैश ब्रोक इनटू लाउड लाफ्टर. द कोर्टियर्स broke into loud laughter. Fourth question, dear children. The boy dash and dash as his heart was broken. The boy sobbed and shrieked as his heart would break. So children, these are the answers of fill in the blanks. Now come to D exercise. Answer the following questions with reference to the given lines. The whole court broke into loud laughter, and of course Raman was asked to prove the truth honest of the words. Why did the whole court break into loud laughter? So the whole court broke into loud laughter because they thought that Tenali was just joking. And what he said, that the work of a mother is most difficult. What proof was asked from Tenali? Tenali ko kya proof karne ko kaha gaya tha? Tenali was asked to prove that whatever he said was true. Do you agree with Tenali and with the courtiers, or with the courtiers? Why? So the children, you have to write down the answer on your own. Aap kiske sath agree karte ho, Tenali ke sath ya fir courtiers ke sath, aur kyun karte hain? You have to write this by your own. Why do you think the courtiers choose this answer? Courtier ne ye answer kyun choose kiya? This also you have to do by yourself. Courtiers ne bola tha ki सर योर जॉब इज द मोस्ट डिफिकल्ट, किंग योर जॉब इज द मोस्ट डिफिकल्ट. तो उन्होंने ऐसा आंसर क्यों दिया? यू हैव टू थिंक एंड देन जस्ट राइट इट डाउन. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. हु वाज तेनाली रमन? तेनाली रमन वाज अ नोबल मैन एंड ही वाज इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णदेव राय. व्हाट डिड किंग कृष्णदेव राय आस्क हिम वन डे? So one day King Krishnadev Rai asked his courtiers that what is the most difficult job in this world. What was the courtiers' reply? The courtiers replied that your job, your majesty, is the most difficult job because you have to you are a king, and a king's job is the most difficult one. Why was Tenali smiling to himself? What was his reply? Tenali क्यों हंस रहा था? अपने आप ही क्यों हंसे जा रहा था? एंड क्या रिप्लाई दिया? Tenali was smiling to himself because he had some other answer. And what was his reply? He replied that a mother's job is the most difficult job in the world. What did the little boy ask the Raja? And why did he start crying? The little boy asked Raja for an elephant. And why did he start crying? Because the child was not able to keep that huge elephant in his small basket. How did the mother pursue the children? So mother ne apne bacche ko kaise manaya? Mother said the child that this elephant, this toy elephant, is more beautiful than that big one. It has many ornaments on its body and it can easily fit on his basket also, and it has wheels and he can carry it anywhere where he wants. What did the king say at last? The king said that he agreed with Tenali Raman, and at last he said, after looking to the situation that was created in front of him, the king said
that the job of a mother is the most difficult job in the world. Do you agree that it is more difficult to look after a small child than to rule a large country? Why? So you have to write down the answer. The question is कि क्या आपको लगता है कि एक बच्चे को संभालने एक कंट्री को संभालने से ज्यादा डिफिकल्ट काम है? अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो क्यों अग्री करते हैं? यू हैव टू राइट डाउन इन योर ऑन योर ओन. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज अ चैप्टर एंड आई होप यू एंजॉयड द चैप्टर वेरी मच एंड यू आर फैन ऑफ तेनाली रमन्स विट एंड इंटेलिजेंस. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड the book exercises that we have done, and I'll be waiting for you with a new video and a new chapter. Children, till then, stay related.